हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जेबी। आज हम डीसी मोटर की घूर्णन दिशा चेंज करना सीखेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई मोटर जो है आपकी डीसी मोटर, उसके अपन टर्मिनल चेंज करके और घूर्णन दिशा कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। बिंदु स्टार्टर से जुड़ी डीसी मोटर का जो है सर्किट डायग्राम है, हम देख सकते हैं कि इसके अंदर स्टार्टर जो है वो डीसी शंट मोटर से किस प्रकार कनेक्टेड है। इसमें A1 और A2 ये सिरे दे रखे हैं और ये फील्ड के सिरे दे रखे हैं। अब आर्मेचर जो है, आर्मेचर के टर्मिनल बदलकर हम घूर्णन दिशा किसे बदल सकते हैं, उसका सर्किट डायग्राम ये है। इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, A1 जो है उसको A2 से और A2 को A1 से कनेक्ट किया हुआ है। इसी प्रकार शंट के टर्मिनल बदलकर भी हम घूर्णन दिशा को बदल सकते हैं, लेकिन आज हम जो है सिर्फ आर्मेचर के टर्मिनल बदलकर जो है घूर्णन दिशा चेंज करना सीखेंगे। इसको और हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं एक बार। डीसी मोटर में जो है सीरीज, शंट और कंपाउंड तीनों को अपन जो है आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करके उसकी घूर्णन दिशा को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक इसका जो है टर्मिनल लिया है, एक डीसी शंट मोटर का टर्मिनल है, जिसके अंदर ये आपके शंट सीरीज और आर्मेचर के टर्मिनल दे रखे हैं। इसमें तो हमें जो कनेक्शन करने हैं वो किस प्रकार करने हैं, घूर्णन दिशा चेंज करने के लिए हम जो A1 के अंदर जो तार या वायर जो कनेक्टेड है उसको हम A2 से कनेक्टेड कर देंगे, और जो A2 वाला जो वायर है उसको हम A1 से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार कनेक्शन करने के बाद जब हम मोटर को चलाएंगे तो मोटर की घूर्णन दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार फील्ड वाइंडिंग के सिरे को हम चेंज करके भी घूर्णन दिशा बदल सकते हैं। ये डीसी शंट मोटर है, इस मोटर को हम पहले चालू करके देखते हैं कि इसकी जो घूर्णन गति है वो किस तरह से रहती है। अभी तो मैं इस मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो घूर्णन गति है वो किस प्रकार है, अभी जो है क्लॉकवाइज दिशा में है। अब हम इसके टर्मिनलों को चेंज करके देखेंगे कि भी किस तरह से ये है जो है इसकी घूर्णन दिशा को अपन बदल सकते हैं। अभी इसके अंदर जो पायर कनेक्टेड है वो इस प्रकार से कनेक्टेड है, इसके अंदर दो आर्मेचर के सिरे हैं, ये और ये आर्मेचर के सिरे। हम अब क्या करेंगे, इस वाले सिरे को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इस वाले को यहाँ से कनेक्ट करके देखेंगे, और फिर घूर्णन दिशा जो चेंज होती है कि नहीं होती है उसको हम चेक करेंगे। थोड़ा सा वायर लेके कनेक्ट करा ताकि हम इसको इंटरचेंज कर सकें। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस A2 वाले सिरे को मैं इसमें कनेक्ट करूँगा, और जो A1 वाला सिरा है उसको हम A2 से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से कनेक्शन हो जाएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए चीज़ें सारी। ये हो गया कनेक्शन इसका। इस प्रकार मैंने ये वाला वायर जो है वो इसमें कनेक्ट करा है, और जो इसका जो नीचे वाला सिरा है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम मोटर को चला के देखते हैं कि इसकी जो है घूर्णन दिशा परिवर्तित होती है या नहीं होती है। हम देख सकते हैं कि जो घूर्णन दिशा है अब इसकी चेंज हो गई है, वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। तो इस प्रकार जो है हम आर्मेचर के टर्मिनलों को चेंज करके डीसी मशीन, जो भी हो आपके डीसी सीरीज हो, शंट हो या कंपाउंड मोटर हो, उसके टर्मिनलों को अपन इस प्रकार आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करके उसकी घूर्णन दिशा जो है परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर शंट के भी हम इसको चेंज कर देंगे तो भी इसकी घूर्णन दिशा चेंज हो जाएगी, लेकिन आज हमने सिर्फ आर्मेचर के टर्मिनलों को चेंज करके देखा है। तो इस प्रकार हम जो है आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करके मोटर की जो है घूर्णन दिशा डीसी मोटर की वो चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।